हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। आइए देखते हैं। तो आज का पहला हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी ये हमको आज फाइंड करना है। तो कोई ऐसा इंडक्टर नहीं संभव है जो विदाउट रेजिस्टेंस के हो, तो इसीलिए इसके वास्तविक या मूल कॉन्सेप्ट के लिए हम L के साथ R भी दिखाए हैं, क्योंकि L है तो R अवश्य रहेगा। तो एक इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है और सेल के साथ जोड़ लिए हैं और इसे कनेक्ट किए हैं T बराबर जीरो पर। तो T बराबर जीरो पर करंट क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। और T टाइम बाद उसका करंट कितना हो गया होगा? I हो गया होगा। ये I करंट दोनों में सेम फ्लो करेगा। तो I करंट फ्लो करेगा तो जो बैटरी द्वारा वर्क होगा वो इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं, लेट I बी द इंस्टेंटेनियस करंट इन द LR सर्किट अप्लाइंग KVL वी गेट। KVL मतलब क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब क्रिचॉफ का सेकंड नियम अप्लाई होगा। तो यहां हम लोग क्रिचॉफ के सेकंड नियम के लिए मान लेते हैं, इस टाइप का पाथ चुनते हैं। तो यहां से अगर हम माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो सेल को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। क्या लिखा है? E माइनस L di upon dt। आपको कंसेप्ट बताया गया है कि इंडक्टर जो है चेंज इन करंट का अपोजिशन करता है, जबकि रेजिस्टेंस जो है करंट का अपोजिशन करता है। तो यहां है, तो लिखा गया है L di upon dt। अब यहां t बराबर जीरो पर जीरो करंट रहा होगा और t टाइम बाद I हुआ है तो जाहिर करंट इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो जो इंडक्टर का बिहेवियर होगा वो अपोजिशन वाला होगा, इस टाइप से होगा। मतलब करंट इधर जा रहा है तो ये इसका अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो ये चीज विरोध के लिए, तब ये प्लस वाला लगेगा, ये माइनस। तो यहां पे जाहिर एक माइनस एल डी आई अपॉन डी टी लगाना होगा। और अगर ये करंट डिक्रीज कर रहा होता तो डिक्रीज करता तो ये इसका सपोर्ट करता। सपोर्ट करने के लिए पहले माइनस और तब बाद में क्या लगता? प्लस लगता, इस टाइप से होता केस ये। हाँ, तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। या वहां बताया जाता है अगर करंट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यहां वैल्यू रखते समय क्या रखेंगे? नेगेटिव। तो नेगेटिव आप लास्ट में क्या हो जाता है? प्लस। क्योंकि माइनस से प्लस की ओर चलने पर हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, जैसे कि यहां सेल के लिए लिए हैं। तो ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। तो ई इक्वल टू आई आर उस तरफ की, आई आर प्लस एल डी आई अपॉन डी टी। तो इस डी टी से हम लोग दोनों तरफ गुणा कर दिए तो आया ई डी टी आई आर डी टी प्लस एल डी आई, इतना आया। तो रेजिस्टेंस में जो डिसिपेटेड एनर्जी आपका है वो होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आई स्क्वायर आर टी इसे बनाने के लिए हम दोनों तरफ आई से गुणा कर देते हैं। यस, मल्टीप्लाइंग आई ऑन बोथ साइड। तो ई आई डी टी यहां गुणा कर देंगे तो आई स्क्वायर आर डी टी, ये एल आई डी टी हो गया। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ ई आई डी टी, आई डी टी के स्थान पे ई क्यू लिख सकते हैं, ई क्यू। तो ई इंटू क्यू वो हो जाएगा वर्क डन बाई बैटरी। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होती है और थर्मल एनर्जी के रूप में रेजिस्टेंस में डिसिपेट होता है, खर्च होता है। तो यह है आई स्क्वायर आर टी डी टी, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्मल एनर्जी इन रेजिस्टर। और जो एल आई डी आई है, जीरो से आई करंट हो रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, मतलब यही वाला पोर्शन हमको केवल आपको समझाना है। यस, और एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, मैं देखिए
एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो इस सिंबल को यू से दिखाएंगे और इसे लिखेंगे जीरो से आई एल आई डी आई, तो एल कांस्टेंट हम लोग बाहर ले लेंगे तो आएगा आई आई डी आई। यस, तो एल बाहर ले लिए और आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई टू, आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई स्क्वायर बाई टू, जीरो से आई लिमिट लगाएंगे तो एल ये है आई स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो। तो मतलब जो u बराबर आया फार्मूला वन बाई टू एल आई स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज इक्वल टू वन बाई टू एल आई स्क्वायर, तो ये आपका फार्मूला रहा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम को देखते हैं। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल इज 5 हेनरी एंड ए करंट ऑफ 0.1 एम्पियर इज स्टेबलाइज इन इट, द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज, तो ये आपको बताना है। इस प्रॉब्लम में गिवन जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं, वो एल इक्वल टू है 5 हेनरी और आई इक्वल टू है 0.1 एम्पियर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इक्वल टू होता है 1 बाई टू एल आई स्क्वायर, तो 1 बाई टू एल है आपका 5 हेनरी और आई है 0.1 इंटू 0.1, तो 5 बाई टू मतलब 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इसे लिख सकते हैं, या 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं 25 मिली जूल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये है आपका, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अगला हेडिंग देखा जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेज में नंबर 1 है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ 3 इंडक्टर है L1, L2, L3, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट इंडक्टर है L इक्विवेलेंट यहाँ पर बी वाले फिगर में। तो ये सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज अगर इंडक्टर की वैल्यू अलग अलग है तो वोल्टेज सब में क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। हाँ, सेम होने पर वोल्टेज भी इनके बीच सेम हो सकता है। सेम रेजिस्टेंस वाला केस यहाँ पर लागू होता है, सेम रेजिस्टेंस वाला केस यहाँ पर लागू होता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिगर ए का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, ये बताते हैं कि टोटल वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज के सम के बराबर होता है, वही चीज हम ले आ रहे हैं। आप देखिए, मान लेते हैं कि सर्किट में करंट कितना बह रहा है, आई फ्लो कर रहा है, तो उस दशा में देखिए वी ए माइनस एल वन डी आई अपॉन डी टी, तो इंडक्टर जो है चेंज इन करंट का अपोजिशन करता है, माइनस एल टू डी आई अपॉन डी टी माइनस एल थ्री डी आई अपॉन डी टी, ये बराबर हो जाए क्या वी बी, तो वी बी इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर एल वन डी आई अपॉन डी टी प्लस एल टू डी आई अपॉन डी टी प्लस एल थ्री डी आई अपॉन डी टी। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इससे। अब इक्विवेलेंट एल वन एल टू एल थ्री का इक्विवेलेंट कितना है, एल इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए देखते हैं, इसके लिए फिर हो जाएगा यही करंट है, तो वी ए माइनस वी बी बराबर यहाँ से आएगा वी ए, या अगर लिखना चाहें वी ए माइनस एल इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या वी बी, इसे लिखना चाहें तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू एल इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी, ये दो हो गया। इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि
सीरीज में जो है टोटल वोल्टेज इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग इंडक्टर या रेजिस्टेंस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होता है। हाँ, तो सबका वोल्टेज सम करेंगे तो टोटल वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पे ये होता है फार्मूला, और यही चीज यहां से भी आया, यही वोल्टेज यहां भी लगा होगा, तो यहां भी Va माइनस Vb इज इक्वल टू एल इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी आया। तो जाहिर है इस Va माइनस Vb के स्थान पे ये चीज रख देंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा। तो यहाँ डी आई अपॉन डी टी इसलिए आता है क्योंकि इंडक्टर चेंज इन करंट का अपोजिशन करता है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो जाहिर है राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे एल इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इन सब में डी आई अपॉन डी टी कॉमन है तो हम बाहर ले रहे हैं। तो यहां जो आ रहा है एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री डी आई अपॉन डी टी, तो डी आई अपॉन डी टी ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। जो हमारा मिल रहा है एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री। यस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला मिलता है। तो सेम ये फार्मूला उसी टाइप का है जिस टाइप का रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस में भी इसी प्रकार का फार्मूला लगता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो सेम कंसेप्ट इसके जैसा ही है। ध्यान दें, ये फार्मूला तब के लिए वैलिड है जब इंडक्टर पास पास ना हो, काफी दूरी पर हो तब के लिए लागू होता है। अगर दो इंडक्टर बहुत पास पास होंगे तो जाहिर है कि उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट आने लगेगा, तो आप इसे काफी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, इसका दूसरा हेडिंग देखा जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, करंट अलग अलग रहता है, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग होता है। हाँ, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ए बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो यहां डिवाइड क्या होता है, डिवाइड होता है करंट, और तो इसी का इक्विवेलेंट आपका यहां बताया गया है, यहां भी करंट आई है, यहां भी करंट आई है। तो यहां पे जो डिवाइड होता है वो है करंट, फिगर आई के लिए तो करंट डिवाइड होता है, तो आई इक्वल टू होता है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। तो यही करंट जो है तीनों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। लेकिन ध्यान देना है इंडक्टर जो है चेंज इन करंट का अपोजिशन करता है, तो जाहिर है कि इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आई वन अपॉन डी टी प्लस डी आई टू अपॉन डी टी प्लस डी आई थ्री अपॉन डी टी हो जाए। इसे आप इक्वेशन वन रखिए। रेजिस्टेंस और इंडक्टर वाले कंसेप्ट में केवल इतना अंतर है कि रेजिस्टेंस करंट का अपोजिशन करता है जबकि इंडक्टर चेंज इन करंट का अपोजिशन करता है, इसीलिए ये काम यहां पर करना पड़ा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एल वन वी ए माइनस वी बी इजल टू हो जाएगा एल वन डी आई वन अपॉन डी टी, और ये हम मान ले रहे हैं ई के क्या हो जाएगा, बराबर हो। तो एल वन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, मैं कह रहा हूं सबके बीच पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या है, सेम है। हाँ, तो यहां की सहायता से हम निकाल सकते हैं डी आई वन अपॉन डी टी इक्वल टू क्या, ई अपॉन एल वन निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एल टू, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई, चाहे ई लिखते हैं हम लोग, ये सेम है एल टू डी आई टू अपॉन डी टी। यहां से लिख सकते हैं डी आई टू अपॉन डी टी इक्वल टू ई अपॉन एल टू, यहां से आया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एल थ्री, पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन एल थ्री, तो ये हो जाएगा यहां भी वी ए माइनस वी बी, जिसे हम लोग ई लिख रहे हैं, एल थ्री डी आई थ्री अपॉन डी टी। यहां से हम लिख सकते हैं डी आई थ्री अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई अपॉन एल थ्री। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस कितने एल इक्विवेलेंट के बीच है, यहां भी निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एल इक्विवेलेंट, यहां देखते हैं तो यहां भी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई है, या लिख सकते हैं एल इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी। यहां से भी हम लिख सकते हैं डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू ई अपॉन एल इक्विवेलेंट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सब वैल्यू वहां पर हम रखते हैं, तो डी आई अपॉन डी टी के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, ई अपॉन एल इक्विवेलेंट, ई अपॉन एल इक्विवेलेंट, यहां लिखेंगे डी आई वन अपॉन डी टी के स्थान पे लिखेंगे ई अपॉन एल वन, तो ई के स्थान पे वी ए माइनस वी भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए हम ऐसा कर दिए, प्लस ई अपॉन एल टू प्लस ई अपॉन एल थ्री, तो आपको पता है कि ई अब कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन एल इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू प्लस वन अपॉन एल थ्री आया, ध्यान दें। तो ये रेजिस्टेंस के जैसा ही है, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ है, कंसेप्ट वही है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो फार्मूला आया, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट वहां आता था, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री आया था, और इंडक्टर में वन अपॉन एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू प्लस वन अपॉन एल थ्री आया। तो ध्यान दें, तो इंडक्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब किया जाता है जब गिवन इंडक्टर के वैल्यू से भी कम वैल्यू की हमें आवश्यकता होगी, और सीरीज में उसका कॉम्बिनेशन तब किया जाता है जब हमें गिवन वैल्यू से ज्यादा की आवश्यकता होगी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस में कुछ कॉन्सेप्ट और देख लिया जाए, ध्यान दें। टू क्वाइल आर कनेक्टेड इन सीरीज, टू क्वाइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्वाइल्स आर लाइंग क्लोज टूगेदर, तो जो फार्मूला आपका है एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या, एल वन प्लस एल टू, ये फार्मूला तब के लिए सत्य है जब दो क्वाइल दूर दूर हो, जब दूर दूर होंगे तब जाके ये फार्मूला सत्य है, अगर दो क्वाइल पास पास हैं तो उनमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस भी आ जाएगा। तो ध्यान दें, यही चीज हमें आपको यहां नया बताना था, तो अगर दो क्वाइल पास पास होंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान जीरो नहीं होगा। ध्यान दें, क्वाइल्स आर लाइंग क्लोज टूगेदर, अगर ऐसा कोई केस है तो उसमें यम होगा, यम होगा तो उसके आगे का कॉन्सेप्ट है इफ यम नॉट इक्वल टू जीरो, अगर यम जीरो है तब तो ये सत्य ठीक है, तब ये फार्मूला ठीक है, इसका मतलब दो क्वाइल है वो दूर दूर है। यहां देखिए, व्हेन करंट इन बोथ इज इन सेम डायरेक्शन देन एल इक्विवेलेंट, अगर करंट इंडक्टर में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ऐसे केस में एल इक्विवेलेंट हो जाएगा एल वन प्लस एम प्लस एल टू प्लस एम इज इक्वल टू, जो रिजल्टेंट आया आपका आंसर एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम, ये तब होगा जब दो इंडक्टर पास पास रखे हों और उनमें सेम करंट फ्लो कर रहा हो सेम डायरेक्शन में। यस, यहां देखें दूसरा वाला कंसेप्ट अगर आएगा, व्हेन करंट फ्लो इन टू क्वाइल आर म्यूचुअली इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगे तब क्या होगा, तो आप ये सोच रहे हैं कि सीरीज में करंट अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो सकता है, तो हो सकता है इसका फिगर कुछ इस टाइप से हो, यहां जाए और फिर लौट के ऐसे आए और फिर ऐसे हो, तो मतलब यहां करंट का डायरेक्शन ये होगा
और यहाँ करंट का डायरेक्शन ये होगा और इसमें जो है उल्टा होने हो जाएगा, ऐसी आकृति इसकी बनाई जाएगी इन दोनों की, तो अपोजिट डायरेक्शन बन जाएगा। है सीरीज में, करंट डिवाइड नहीं हो रहा कहीं भी, है सीरीज में लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये नेगेटिव आ जाएगा। ध्यान दें, व्हेन करंट फ्लो इन टू कॉयल्स आर म्यूचुअली इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यह इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा एल वन माइनस एम प्लस एल टू माइनस एम, तो यह इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम। ध्यान दें, ये फार्मूले तब लगाए जाएंगे तब जब दो कॉयल काफी पास पास हों, काफी पास पास होंगे तो जाहिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट भी उसके साथ जुड़ जाएगा, वो भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये तो रहा सीरीज कॉम्बिनेशन का दो कंसेप्ट, और यही कंसेप्ट फिर अप्लाई होता है टू कॉयल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए एल वन प्लस एल टू, देखो पैरेलल के लिए टू कॉयल है तो वन अपान एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वन अपान एल वन प्लस वन अपान एल टू, ये लिखा जाएगा। या एलसीएम लेंगे तो आपका एल वन एल टू एल इक्विवेलेंट बराबर आएगा एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल वन एल टू अपान एल वन प्लस एल टू आएगा। तो प्लस वाले का कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है कि प्लस माइनस क्या होगा, 2m रखा जा सकता है, l1 इंटू एल टू के स्थान पे इंटू में रहेगा माइनस m स्क्वायर। यस, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर सवाल है, दो क्वाइल बहुत पास पास हैं, तो ऐसी दशा में l इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा l1 l2 माइनस m स्क्वायर अपॉन l1 प्लस l2 प्लस माइनस m। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, एक न्यूमेरिकल देखा जाए इस कॉन्सेप्ट पर। थ्री इंडक्टेंसेज आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ सर्किट। तो ये दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं पहला ये L1 रहा है और ये L2 मान लेते हैं, ये L3 और इसे L4 के इक्वल मान ले रहे हैं। यस, तो यहाँ पे L2 और L3 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। यहाँ कहेंगे कि L2 एंड L3 आर इन पैरेलल, देन हो जाएगा वन अपान L डैश मान लेते हैं इनका इक्विवेलेंट, अभी दो के लिए क्या मान ले रहे हैं L डैश, कि हो जाएगा वन अपान L1 प्लस वन अपान L2, ये वैल्यू जो रखेंगे वन अपान पॉइंट फाइव प्लस वन अपान पॉइंट फाइव। यस, तो इसे लिख सकते हैं टू अपान पॉइंट फाइव, टू अपान पॉइंट फाइव, तो वन अपान एल डैश बराबर आया, तो एल डैश बराबर आया पॉइंट फाइव अपान टू और ये हो जाएगा पॉइंट टू फाइव हेनरी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया, पॉइंट फाइव पॉइंट टू फाइव हेनरी आया। अब ये दोनों मिला के एक वायर में हो गया, एक ये और एक ये, एक ये, ये सभी तीनों क्या हो गए, अब सीरीज में हो गए, एक साथ जोड़ लेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है कि L1 L1 L डैश एंड L4 L4 आर इन सीरीज, देन सीरीज में है तो जोड़ लेना चाहिए, एल इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा एल वन प्लस एल डैश प्लस एल फोर, या एल वन आपका है पॉइंट टू फाइव हेनरी प्लस एल डैश जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, वो भी पॉइंट टू फाइव आया और उधर पॉइंट फाइव है, तो पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव कितना आ गया, वन हेनरी। तो ये रहा आपका सवाल। तो ये दोनों को पैरेलल में जोड़ लेंगे, फिर तीन बचेंगे, तीनों एक साथ एक वायर में हो जाएंगे, तो आप उसे सीरीज में जोड़ लीजिएगा, तो वन हेनरी इसका आंसर आया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।